उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी अहम रणनीति बनाने में जुटी है। इसी रणनीति को लेकर सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। शुक्ला जी, कल जिस तरह से मैराथन बैठक हुई आप लोगों की प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, आज सुबह आप तमाम लोग जो है, तमाम नेता जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भी मिलने गए, एक घंटे की लगभग जो बैठक चली, क्या चर्चा हुई, किस तरह की रणनीति पर चर्चा हुई? बैठक कोई नहीं हुई, सिर्फ उनसे मिलना हुआ और मिल कर करके अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के ही थे, उत्तर प्रदेश चुनाव तो चुनाव की चर्चा होगी, चुनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने उसके लिए चुनाव कैसे अच्छी तरह से लिया, कैसे सभी समाज के लोगों को जोड़ करके चला जाए, कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को वहाँ जनता के बीच में बताया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को बताया जाए, इस सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक चर्चा रही। ये हुआ कि आपने कहा कि जनता तक कैसे बताया जाए, जो खबरें जिस तरह से आती है कि ब्राह्मण नाराज है, ये कहा गया कि 403 विधानसभा सीटों में आप लोग जाएंगे, मतदाताओं को बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है, कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे, मतदाताओं को कन्विंस करेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव के बाद ही 403 विधानसभा में जाते रहते हैं, तो उस क्रम में फिर जाएंगे, और अब तो चुनाव आ गया है तो और वो जाएंगे, जो प्रमुख लोग होंगे उनके जगह जगह प्रवास लगेंगे, उस प्रवास के अंतर्गत जा कर करके सही अर्थों में ब्राह्मण के लिए अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आपके विरोधी दल खासतौर से कह रहे हैं, बसपा भी सम्मेलन कर रही है, सपा भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा से नाराज है ब्राह्मण, क्या वाकई उस तरह के हालात हैं और क्या आप लोगों को बताएंगे जाके? अब हम जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ उन लोगों से क्या बात करेंगे, ये यहाँ तो बता नहीं सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो बताएंगे। बिल्कुल, आईने से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव प्रताप शुक्ला जी का साफ साफ कहना है कि ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा काम जो है वो भाजपा की सरकार ने किया है। नई दिल्ली से INS के लिए संतोष पाठक।